चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश की 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इनमें पंजाब की 1 संगरूर और उत्तर प्रदेश की 2 रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट शामिल है, जबकि 7 विधानसभा सीटों में त्रिपुरा की अगरतला टाउन, बोर्डोवाली, सुरमा और जुबराजनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। यहां 23 जून को वोट डाले जाएंगे। इसी तरह दिल्ली की राजेंद्र नगर, झारखंड की मंदारी और आंध्र प्रदेश की आतंकपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 30 मई को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 6 जून नॉमिनेशन की आखिरी तारीख होगी। 7 जून को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 जून रखी गई है। इन सभी सीटों पर 23 जून को मतदान होगा, जबकि 26 जून को मतगणना होगी। आपको बता दें कि यूपी के रामपुर से आजम खान ने सांसद पद से इस्तीफा दिया था, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से इस्तीफा दिया था। इन दोनों नेताओं ने फरवरी में विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसी तरह पंजाब की संगरूर सीट से भगवत मान ने इस्तीफा दिया था। मान अब पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट भी राघव चड्ढा के राज्यसभा में जाने से खाली हुई थी। इससे पहले चुनाव आयोग ने उत्तराखंड की चंपावत सीट, उड़ीसा की ब्रजराजनगर और केरल में थ्रिक्काकारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए जाने का ऐलान किया था। उत्तराखंड में 31 मई को मतदान होगा, 3 जून को मतगणना होगी। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ रहे हैं। तो इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।